वेलकम टू मैक्स नर्ड। मैं हूँ आज का होस्ट काजी और आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं ब्लैक एडम के ट्रेलर का। और शज़ाम भाई तू तो गया। तो पहले सीन में हम एक शिप को देखते हैं जो कि और किसी की नहीं बल्कि इंटरस्टेट गैंग की है। अब कॉमिक्स में ये गैंग एक नॉर्मल गैंग है बट इनके पास एलियन टेक्नोलॉजी सप्लाई होती है डार्क साइड वगैरह वगैरह से जो कि इनको और खतरनाक बनाती है। इसीलिए ये लोग डेली बेसिस पे वंडर वुमन, बैटमैन और सुपरमैन जैसे लोगों से लड़ते रहते हैं और इनका मेन विलन सुपरमैन है क्योंकि ये लोग सुपरमैन की कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुए थे। और एक रीजन सुपरमैन को होना चाहिए था, हेनरी केविल वाला। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इंटरस्टेट गैंग के मेंबर्स को मरे हुए जैसे रॉक को कहीं ले जाते हुए। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रॉक को भी इतना पतला देखूंगा। हाँ, वो अलग बात है कि मेरे लिए वो ड्रीम बॉडी है बट रॉक के लिए तो ये कुछ नहीं है। और हम देखते हैं कि इंटरस्टेट गैंग के एजेंट्स उसे क्रायो चेंबर में डाल रहे हैं जो कि काफी सिमिलर है विंटर सोल्जर के। और अगर हम थियराइज करने चाहे तो इन लोग ने ब्लैक एडम को कहीं से उठा के लाया होगा जहाँ वो कई सौ सालों से सो रहा होगा। और हम नेक्स्ट सीन में देख भी सकते हैं कि डॉक्टर फिर ब्लैक एडम से कह रहे हैं कि भाई तेरी इतनी सारी शक्तियों ने तुझे दिया क्या है, दुख, दर्द, पीड़ा। और हम पिछले डीसी के चूतिया बनाने वाले ट्रेलर को अगर देखें तो हमें वैसे ही एक सिमिलर सीन देखने को मिलता है जहां डॉक्टर फेट ब्लैक एडम से कहते हैं कि आ जाओ भाई, बाहर दुनिया में आओ, बहुत सुंदर दुनिया है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मतलब इंडायरेक्टली भीख ही मांग रहे हैं कि भाई आ जा हमारी टीम में, हम हरा नहीं पाएंगे, प्लीज आ जा यार, प्लीज प्लीज। इसके बाद ब्लैक एडम नरेट करता है कि कैसे वो पिछले जन्म में स्लेव था और अब वो भगवान है। और वो ये भी कहता है कि कैसे उसके बेटे ने अपनी जान दे दी उसको बचाने के लिए। और ये चीज़ काफ़ी कॉमिक एक्यूरेट है और इसके बारे में हम और बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ ब्लैक एडम में। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कर दो यार, क्रश के सामने शो ऑफ भी तो करना है। इसके बाद हम वही एक्शन सीक्वेंसेस देखते हैं जो कि हमने डीसी फैंडम में देख रखा है। और ये प्रोबेबली मूवी का पहला एक्शन सीक्वेंस होगा जहाँ पे मॉडर्न ह्यूमंस का एनकाउंटर होगा ब्लैक एडम से। और बैकग्राउंड में ये जो औरत दिख रही है ये वही औरत है जो हमने पहले भी देख रखा है। और स्पॉइलर अलर्ट, ये ब्लैक एडम की फ्यूचर वाइफ होने वाली है। और अब हम ब्लैक एडम के केप को देख सकते हैं जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है और उस पर हम एम्ब्रॉयडरी भी देख सकते हैं और वो शायद से सोने की हो सकती है। इसके बाद हम एक शिप देखते हैं जो कि है जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की, जहाँ पे हम डॉक्टर फेट, एटम स्मैशर को देख सकते हैं और हॉकमैन लिटरली शिप से नीचे कूद रहा है ब्लैक पैंथर की तरह। और नेक्स्ट सीन में हम हॉकमैन के पंख देख सकते हैं जो कि काफ़ी सुंदर और सही लग रहे हैं, बस थोड़ा ट्रांसफॉर्मर जैसा सीजीआई लग रहा है। और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को जस्टिस लीग से कन्फ्यूज मत करना, दोनों बहुत ज़्यादा अलग है। जहाँ जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका में हमें डॉक्टर फेट, हॉकमैन, साइक्लोन और एटम स्मैशर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम एटम स्मैशर का कॉस्ट्यूम देख सकते हैं जहाँ पे उसकी वो नियॉन लाइट्स काफी ज्यादा अच्छी है और वही चीज डिफरेंशिएट करती है उसके कॉस्ट्यूम को और एंटमैन के कॉस्ट्यूम को। और इसके बाद हमें डॉक्टर फेट और साइक्लोन के पावर यूज करने वाले क्विक शॉट्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमें हॉकमैन और ब्लैक एडम के बीच में गर्मा गर्मी देखने को मिलती है, जिसके बाद हमें हॉकमैन ब्लैक एडम को ऐसा ऊपर से नीचे फेंकते हुए देखने को मिलता है और फिर हमारे ब्लैक एडम ऐसा खड़े होते हैं कि तू गया। और ये सीन देख के मुझे कॉमिक्स बुक की याद आ गई और उसके बाद मुझे आयरन मैन की याद आ गई। और इतने सालों के डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर के बाद हमने रॉक भाई को फाइनली दुनिया का सबसे महंगा बिच स्लैप मारते हुए देखा है। और अगर आप ये सीन ध्यान से देखोगे तो आपको बैकग्राउंड में ब्लैक एडम का स्टैचू देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी पुराना लग रहा है। और अगर हम इस चीज़ को अगर थियराइज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जब ब्लैक एडम को उसकी पावर्स मिली थी तो उसने सारे स्लेव्स को बचाया होगा और सारे स्लेव ओनर से बदला लिया होगा, जिसकी वजह से सारे स्लेव्स ने उसे अपना भगवान मान लिया और ये स्टैचू बनाया। और इसके बाद हम एक टिपिकल हीरो शॉट देखते हैं जहाँ पे हमारे रॉक भैया एकदम ऐसा स्वैग में चल के आ रहा है, पीछे पूरा बूम धड़ाका हो रखा है। और इसके बाद हमें ब्लैक एडम अपनी सुपर स्पीड दिखाता है रॉकेट को हवा में ही पकड़ के। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो पूरा का पूरा उसको एनालाइज कर रहे हैं कि साला ये कौन सा खिलौना, इधर से लाइट जल रही है क्योंकि बंदा 5000 साल बाद उठा और उसके लिए सब नया है। और अगर आप एंड में देखोगे तो वो लिटरली रॉकेट को अपने फेस की तरफ करके छोड़ देता है। मतलब कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है बंदे का। और रॉकेट के फटने की वजह से हम ये चीज़ थियराइज कर सकते हैं कि शायद से उसका एक केप अभी फट गया होगा, इसलिए वो आगे के पूरे सीन से बिना केप के घूम रहा है। तो ओवरऑल ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर काफ़ी बढ़िया था। मतलब मेरे लिए ये डीसी का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर था और बहुत मज़ा आ गया। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी एकदम बोले तो एकदम बढ़िया है। अब हाँ, ये सब कुछ एकदम बढ़िया ऐसा नहीं है, इसमें इसका सीजी देखेंगे तो अभी भी रॉ दिख रहा है, फाइनल कट अभी तक नहीं हुआ है, ये चीज़ हमको दिख रही है। और हाँ, ये चीज़ अभी प्रोमिनेंट है कि रॉक ब्लैक एडम नहीं बन रहा है, ब्लैक एडम रॉक बन रहा है, जो कि चल सकती है अगर इसे सही से दिखाया तो। तो देखो डब्ल्यू बी, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत बड़ी चीज़ मांग ली है, तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, पर कर दो, दूसरी बिलियन डॉलर मूवी मिल जाएगी तुमको, कर दो प्लीज़। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं आई तो डिसलाइक करो, पर कुछ तो करो। हिस्ट्री वीडियो आएगी तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए मैं हूँ काजी, दिस इज मैक्स नर्ड।